वेलकम फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, इस वीडियो में हम वर्ड ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लेंटिफ। प्लेंटिफ एक नाउन की तरह यूज होता है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनोदर इन कोर्ट ऑफ लॉ। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट में केस करता हो, उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, यानी केस करने वाला व्यक्ति प्लेंटिफ कहलाता है, राइट। उसको हम हिंदी में वादी बोलते हैं। एग्जाम्पल, द जूरी डिसाइडेड द प्लेंटिफ डिजर्व $2 million फॉर द लॉस ऑफ लिम्ब ही इनकर्ड इन हिज वर्क इंजरी। जूरी ने डिसाइड किया, जूरी यानी पंच, जूरी ने डिसाइड किया कि प्लेंटिफ डिजर्व करता है $2 million, $2 million डिजर्व करता है फॉर द लॉस, उसके लॉस के लिए, ऑफ द लिम्ब ही इनकर्ड, जो उसने खर्च किया है, इन हिज वर्क इंजरी, जो उसके वर्क इंजरी में उसने खर्च किया है, उसके लिए वह प्लेंटिफ $2 million डिजर्व करता है, राइट। सिनोनिम, लिटिगेंट, प्रोसिक्यूटर, स्वर, कंप्लेनेंट, राइट। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिक, प्रत्येक प्लेंटिफ को जस्टिस मिलना चाहिए, राइट। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक प्लेंटिफ को जस्टिस मिलना चाहिए। हम इस ही सेंटेंस से इसको याद रख सकते हैं कि प्रत्येक प्लेंटिफ को जस्टिस मिलना चाहिए, राइट। आज का जो वर्ड है जिसका आपको मीनिंग बताना है वो है रेप्रिहेंसिबल। रेप्रिहेंसिबल का आपको मीनिंग बताना है, और मैंने आपको कल एक वर्ड दिया था, दैट वाज रेंडिपीशियस। इसका मतलब होता है एक्सीडेंटल प्रॉफिट या कैजुअल हैप्पीनेस। आप इसको कैजुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, राइट। कैजुअल प्रॉफिट या कैजुअल हैप्पीनेस या एक्सीडेंटल प्रॉफिट या एक्सीडेंटल हैप्पीनेस। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।